व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज आपको टावेरा का ब्रेक बूस्टर रिप्लेसमेंट करके बताएंगे। ब्रेक बूस्टर रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है घर पे अपनी गाड़ी खोल दो। इसका ब्रेक बूस्टर खराब हो गया है, सो मेरे को वैसे भी इसको रिप्लेस करना था, तो इसलिए एक वीडियो बना के आपको बता रहे हैं कि ब्रेक बूस्टर को कैसे रिप्लेस करना है और क्या काम करता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सो टावेरा के अंदर ब्रेक बूस्टर इंजन के लेफ्ट साइड में माउंटेड होता है, और ब्रेक बूस्टर का ये काम है कि जब भी हम पैर से पेडल दबाते हैं तो जो पेडल दबाने की जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करना और आपका जो पैर है उसको हल्का आराम देना। ये तो हालांकि रिप्लेस हो चुका है, लेकिन अभी मैं जो खराब है उसको रिप्लेसमेंट की प्रोसेस आपको बताऊंगा और शुरू हो रही है अब। यानी इसके अंदर एक डायफ्राम होता है जिसके अंदर वैक्यूम से एयर प्रेशर कॉन्स्टेंटली बना रहता है, जब भी हम पेडल को प्रेस करते हैं तो ये ब्रेक लगाने में अपनी हेल्प करता है। सो अब इसके अंदर क्या हो गया है कि जो वैक्यूम डायफ्राम है या फिर इसके अंदर एक वाल होता है बूस्टर के अंदर, वो ख़राब हो गया है। सो हमको जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और चूंकि शेवरलेट जो है इंडिया से जा चुकी है 2017 में, नए पार्ट्स कहीं मिलते नहीं हैं। सो मैंने जो है एक कबाड़ी से सेकेंड हैंड पार्ट जो है उसको सोर्स किया है। इसकी भी कंडीशन ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन जो है हल्की फुल्की, मतलब ये वर्किंग है पर हल्का जो इसको पेंट वगैरह है, देखो इसके ऊपर हल्का हल्का रस्टिंग लगी हुई है, तो इसको थोड़ा हम सैंड पेपर से घिस के पेंट करके और थोड़ा सा इसकी जो कंडीशन चमका देंगे, ताकि ये जो सरफेस रफ जितनी भी आपको दिख रही है ये इसके ऊपर एक बार हल्की एक पेंट की कोट कर देंगे सैंड पेपर से घिस के, ताकि जो है फ्यूचर में कोई मतलब एक अच्छी लाइफ दे ये। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कितना पुराना है क्या है, बट हाँ ये वर्किंग ज़रूर है। सरफेस रस्ट थी उसको मैंने पेचकस की मदद से उचका दिया है। अब जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ब्लैक स्प्रे पेंट से जो जितने भी एक्सपोज मेटल के एरियाज हैं इसको थोड़ा पेंट कर देंगे, एक दो कोट कर देंगे, ताकि इससे ये थोड़ा सुंदर भी दिखेगा और आगे फर्दर रस्टिंग से इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। तो अब इसको पेंट करते हैं। जब तक हमारा नया ब्रेक बूस्टर का जो पेंट है वो सूख रहा है, तब तक हम इसको रिमूव करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ओल्ड जो इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड है, हल्का यहाँ से दिख रहा होगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन पाइप को अपन खोल देंगे तो ये ब्रेक फ्लूइड बाहर गिरेगा और ये काफ़ी कोरोजिव होता है और काफ़ी डेंजरस होता है। सो इसको सिरिंज की यूज से हम जो है बाहर निकालेंगे जितना भी हो सके उतना, और इस बोतल के अंदर भर लेंगे, क्योंकि जब ब्रेक आप इसको खोलते हो मास्टर सिलेंडर की जो लाइन है इसको, इसके बाद आपको ब्रेक की ब्लीडिंग करनी पड़ती है। तो वैसे सिरिंज से हम थोड़ा सा ही ब्रेक ऑयल बाहर निकाल पाए, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो है इन पाइपों को खोलना ही पड़ेगा। ताकि आपको दिख रहे हैं ये बोल्ट थोड़े अलग स्टाइल के हैं, और ये एक्चुअली एक स्पेशल टाइप के बोल्ट है, इनको बोलते हैं फ्लेयर नट, जो मोस्टली होलो जो पाइपिंग है उसको फिटिंग करने के लिए यूज होते हैं। तो आपको इन बोल्ट को खोलने के लिए एक स्पेशल टूल की ज़रूरत होगी, इसको बोलते हैं फ्लेयर नट रेंच। सो इसके अंदर आप देख रहे हो कि नॉर्मल स्पैनर से अलग इसकी थोड़ी डिज़ाइन होती है, और इसके अंदर एक साइड ओपन होती है, ताकि जो आप किसी पाइप के ऊपर इसको इस तरीके से लगा सको। 5 पॉइंट होते हैं, ये 5 पॉइंट से जो है किसी भी फ्लेयर नट को पकड़ के उसको ढीला करता है। अगर आपने इसके ऊपर सिंपल स्पैनर लगा दिया तो ये फ्लेयर नट जो है वो ख़राब हो जाएंगी और फिर आपका काम जो है लंबा चलेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप इसको घर पे कर रहे हैं तो यू विल हैव टू यूज़ द स्पेसिफिक टूल। सो अब इससे इसको खोल लेते हैं, 2 बोल्ट को फटाफट, ये पाइप बाहर निकल जाएगी, फिर आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो हमने मास्टर सिलेंडर निकाल लिया है। मास्टर सिलेंडर की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, इसमें बस ये हल्की फुल्की रस्टिंग है, इसको तो साफ़ करके जो है वापस इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन जो बूस्टर है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाइट वाइट जितना भी दिख रहा है ये रबर है जो ख़राब हो चुका है, और इसके अंदर से वैक्यूम यहाँ से
लीक हो रहा है इस जगह से। सो ये ख़राब है बिल्कुल 100% और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले भी आ गई है। और फटाफट इसको, इस यूनिट को बाहर निकालते हैं और नए वाले को रिप्लेस करते हैं। ओके गाइस, सो अब थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। अब मैं गाड़ी के जो ड्राइवर साइड फुटवेल है वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। अब जो ब्रेक बूस्टर है उसको खोलने के लिए ये रहे, ये चार बोल्ट आपको दिख रहे हैं सामने, ये रोड आ रही है इसकी बूस्टर की, 1, 2, 3 और 4, ये रहे चार बोल्ट इसके। और आगे की तरफ ये यहाँ पे एक लॉक पिन से जुड़ा हुआ है। इसको अब मैं एक बार खोल लेता हूँ क्योंकि यहाँ अंदर कैमरा लगाने की कोई जगह नहीं है, ना यहाँ कैमरा से एंगल सेट करने की कोई जगह है। खैर अब तो खैर प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये चार बोल्ट खोलने हैं, इधर की एक जो पिन है ये जो आपको दिख रही है सामने, इसको निकालना है और जो ब्रेक बूस्टर है बाहर आ जाएगा। एक बार मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। ओके गाइस, काफ़ी मशक्क़त के बाद चारों बोल्ट और इसकी जो सेफ्टी लॉक पिन होती है सारे खोल दिए। अब उधर से बाहर निकाल लेते हैं इसको। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ढीला हो गया है। ओके गाइस, तो पूरा नाम हमारा ब्रेक बूस्टर बाहर आ चुका है। इसकी हालत काफ़ी खस्ता हाल है और ये दूसरा नया वाला हल्का हल्का तो ग्लॉसी चमक इस वजह से क्योंकि पेंट अभी भी पूरा सूखा नहीं है, लेकिन नाउ वी कैन इंस्टॉल इट। अब इसको वापस इंस्टॉल करने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। रिवर्स से जिस ऑर्डर में इसको निकाला था उसी ऑर्डर के रिवर्स में निकलेगा। सबसे पहले ब्रेक बूस्टर लगेगा, इसकी पीछे जो पेडल की क्लिप है वो लगेगी, माउंटिंग पॉइंट लगेंगे, इसके ऊपर जो हमारा मास्टर रिजर्वायर है वो फिट होगा और बस फिर इसकी ब्रेक ब्लीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट अप। ओके गाइस, सो ब्रेक बूस्टर रिप्लेसमेंट प्रोसीजर फाइनली ख़त्म हुआ। हमने सक्सेसफुली नया ब्रेक बूस्टर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है और एज इट इज़ जितनी भी फिटिंग्स इसकी ओरिजिनल थी वो कर दी है। इसकी वैक्यूम लाइन और मास्टर सिलेंडर की रिटर्न और फीड लाइन इसको कंप्लीट कर दिया। अब जो है क्योंकि हमने ब्रेक सिस्टम को ओपन कर दिया है और इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, सो हमको पूरे जो ब्रेक सिस्टम है यानी चारों जो टायर हैं उनके जो ब्रेक हैं उनको एयर ब्लीड करना पड़ेगा और इसके अंदर नया फ्लूइड इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो फिलहाल यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो सून। ओके गाइस, वीडियो खत्म हो चुकी है। ब्रेक ब्लीडिंग का प्रोसीजर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसकी वीडियो सेपरेटली शूट हुई है। सो इस क्लिप में मैं यही बता रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ब्रेक ब्लीडिंग का प्रोसीजर बताएंगे और ये वीडियो फिलहाल यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइस विद न्यू वीडियो सून।